वैसे कोई मतलब है नहीं, आज दो मुकाबले होंगे वैसे देखा जाए तो। ये दोनों मुकाबले खत्म होने के बाद प्लेऑफ से मुकाबले हैं वो चलने वाले हैं, और इन दोनों ही मुकाबलों का कोई मतलब नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए खेले जा रहे हैं, ऐसा क्यों? वही जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कोई अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर और एसआरएच भिड़ने वाले हैं पहले मैच के अंदर, तो दोनों ही टीमें कहीं ना कहीं प्लेऑफ के अंदर एंटर कर चुकी हैं। सिर्फ दो अंक की बात है, एक टीम को मिलेंगे एक टीम को नहीं मिलेंगे, इससे ज़्यादा कोई प्रॉफिट वाली बात है नहीं इसमें। और एसआरएच एक नंबर पर नहीं आ सकता, ना ही राजस्थान रॉयल एक नंबर पर आ सकता है। हाँ जरूर है, सारा चाहे वो दो नंबर पर जा सकता है, केकेआर को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वो अगर हार जाते हैं और अगर आरआर जीत जाते हैं तब जाके कोई फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास 19 पॉइंट है। दूसरा जो मैच है वो राजस्थान रॉयल और पंजाब किंग्स के बीच में है, तो यहाँ से राजस्थान रॉयल पहले से क्वालिफाई कर चुकी है और पंजाब किंग्स अब क्वालिफाई कर नहीं सकती, क्योंकि अभी वो टाइम चला गया है जब आपको क्वालिफाई करने के लिए कुछ मैचेस बचे हों, क्योंकि ये लास्ट मैच है। और ये जीत भी ले या फिर किसी भी स्ट्राइक रेट से, किसी भी नेट रन रेट से आप जीत ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जो बाहर होने के रास्ते वो पहले ही तय हो चुके हैं। बिकॉज कल का जो मैच था आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग के बीच में, वही दो टीमें बची थी जिसमें से कोई एक टीम जानी थी, और फाइनली सीएसके से वो स्कोर चेस नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। आई थिंक 219 रन 220 रन बनाने थे, बट 220 ना बनते तो भी कोई बात नहीं थी वैसे देखा जाए तो, उनको सिर्फ और सिर्फ 201 रन बनाने थे और वो प्लेऑफ में एंटर कर जाते, लेकिन वो 201 रन भी नहीं बना पाए। और यही वजह रही कहीं ना कहीं कि आज सीएसके जो कि बाहर का रास्ता देख चुकी है, और जो आरसीबी है वो पहले हार के कितने मैच उन्होंने हारे उसके बावजूद आज वो कहीं ना कहीं प्लेऑफ में एंटर कर चुकी है। तो एक बात कहनी पड़ेगी, बहुत ही बढ़िया उम्दा स्टेटमेंट है, और ये दोनों मैच कोई काम के नहीं है वैसे देखा जाए तो, सिर्फ टाइम पास मैच हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, आप चाहें तो ना भी देखें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इसके बारे में अपने विचार जो हैं वो जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता फिर आपके सामने जरूरते हैं।